नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक बार फिर चला पंचायत चुनाव। कोरोना से पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए शुरू हुई तैयारी। मास्क वितरण को लेकर पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायक को मिली जिम्मेदारी। बच्चा पैदा करने के लिए मिला 15 दिन का पेरोल। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को दी नसीहत। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोविड-19 के कारण टला पंचायत चुनाव। बिहार में कोविड-19 के प्रति लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि कोविड-19 संक्रमण की वजह से स्थिति काफी गंभीर है। अधिकारी इस महामारी की रोकथाम में लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 की अधिसूचना पर 15 दिनों तक रोक लगाई जाती है, जिसके बाद समीक्षा की जाएगी, तब आगे का निर्णय लिया जाएगा। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आदेश जारी गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने विज्ञप्ति में यह भी कहा है कि पंचायत निर्वाचन 2021 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल के अंत में अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई चल रही थी। इस बीच बिहार में कोविड-19 की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई। इसके बचाव हेतु प्रशासन द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। पटना जंक्शन के महावीर मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। राजधानी पटना का महावीर मंदिर उत्तर भारत में हनुमान जी के अनेकों मंदिरों में से सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। इसकी ख्याति मनोकामना मंदिर के रूप में है, जहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें राम भक्त हनुमान की युग्म प्रतिमाएं हैं। जानकारों की माने तो महावीर मंदिर का क्षेत्रफल करीब 10,000 वर्ग फुट है। मंदिर परिसर में आगंतुकों और भक्तों की सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद है। मंदिर की पहली मंजिल पर देवताओं के 4 गर्भगृह भी है। कोरोना से पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए शुरू हुई तैयारी। जब से बिहार में कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू किया है, हर कोई डरा हुआ है। अस्पतालों की हालत देखकर लोगों के मन में और ज्यादा डर पैदा हो गया है। इन सब के बीच अब पुलिस कर्मियों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए अब पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचाने की खास तैयारी हो रही है, जिसके तहत ही पुलिस मुख्यालय ने संक्रमित पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल को बेहतर इलाज की कवायद प्रारंभ कर दी है। वैसे पुलिसकर्मी जिनमें कोरोना के लक्षण दिखते हैं, उन्हें होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, सभी पुलिसकर्मियों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि मास्क जरूर पहने। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य में 200 से अधिक पुलिसकर्मी अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसी क्रम में पटेल भवन के ट्रांजिट भवन को 4 बेड वाला अस्थायी आइसोलेशन सेंटर के रूप में तब्दील करने का निर्देश दिया गया है। मास्क वितरण को लेकर पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायक को मिली जिम्मेदारी। बिहार में कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। शहर में तो फिर भी लोग जागरूक नजर आते हैं, मगर गांव कस्बों में अभी भी कई लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब बिहार सरकार ने कोरोना के रोकथाम को लेकर गांव कस्बों में मास्क वितरण का आदेश कुछ दिन पहले ही जारी किया था। वहीं अब इसकी जिम्मेदारी पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायक को सौंप दी गई है, जिसके बाद मास्क का वितरण संबंधित पंचायत सचिव एवं कार्यपालक सहायक द्वारा घर घर जाकर दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने बीते दिन आशय की जानकारी दी है। हालांकि यह तय किया गया है कि प्रत्येक मास्क की कीमत GST सहित 15 रुपए से अधिक नहीं होगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा मास्क खरीद में सबसे पहले जीविका संशोधित ग्राम संगठन संकुल संघ उत्पादन समूह और खादी भंडार को प्राथमिकता दी जाएगी। IDBI बैंक ने निकाली रिक्तियां। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने चीफ डेटा ऑफिसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार IDBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 मई 2021 है। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो प्राइमरी स्क्रीनिंग के बाद अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान रहे, इन पदों के लिए आवेदन भरने की उम्र सीमा 45 साल तय की गई है। अब निजी लैब और अस्पताल की निगरानी करेंगे सिविल सर्जन। बिहार में कोविड-19 की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हालांकि अब अस्पतालों की स्थिति को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सिविल सर्जन की होगी। हाल ही में साझा की गई जानकारी के अनुसार निजी लैब और अस्पतालों की निगरानी करने की जिम्मेदारी सिविल सर्जन को सौंप दी गई है, जिसके तहत ही स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के सभी जिलों के सिविल सर्जन को निजी लैब और अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की जांच और इलाज की निगरानी करने और शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने बताया कि राज्य में सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी लैब और निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमितों की जांच और इलाज की स्वीकृति दे दी गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनुरिता झा की। अनुरिता झा एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। वो मधुबनी बिहार की रहने वाली हैं और उनका पालन पोषण पटना और दिल्ली में हुआ है। उन्होंने दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी फैशन वीक में हिस्सा लिया है। उन्होंने बॉलीवुड में अभिनय की शुरुआत अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 से की थी। इसके सीक्वल गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 में भी वो दिखाई दी थी। उन्होंने 2005 में फोर्ड सुपर मॉडल प्रतियोगिता में भाग लिया और 2006 में चैनल वी गेट गॉर्जियस 2006 प्रतियोगिता भी उन्होंने जीता था।
बिहार सरकार प्रवासी श्रमिकों को देगी हर संभव सहायता। कोविड 19 के माहौल में दूसरे राज्यों से प्रवासियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि बिहार सरकार के इस बार की कोशिश है कि जो भी प्रवासी लौट करके बिहार आ रहे हैं वो वापस दूसरे राज्यों की तरफ पलायन ना करे। इसी क्रम में बिहार सरकार ने प्रवासियों की मदद के लिए सभी रास्ते खोल दिए हैं, जिसके तहत ही बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक जिले को अब 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले प्रत्येक जिले के लिए यह राशि 50 लाख रुपए तय की गई थी। इस योजना के तहत यूनिट मजदूरों के स्वयं सहायता समूह के नाम से पंजीबद्ध कराना होगा। जिला पदाधिकारी इस मामले में अंतिम निर्णय लेते हैं। ऑडिटर की परीक्षा हुई स्थगित। बिहार लोक सेवा आयोग ने आखिरकार ऑडिटर की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला सुना दिया। 25 अप्रैल को इस परीक्षा का आयोजन होने वाला था। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद भी बीपीएससी ने कुछ दिनों पहले ही अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी करते हुए परीक्षा संचालन की बात कही थी। हालांकि छात्रों की मांग को देखते हुए और लगातार बिहार में कोविड 19 के मामलों में वृद्धि होता देखकर बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को स्थगित करने का फैसला सुनाया है। हालांकि नई तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है, मगर उम्मीद जताई जा रही है कि बीपीएससी की तरफ से नई तारीख की घोषणा स्थिति सामान्य होने के बाद ही की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले यूजीसी नीट और इंजीनियरिंग परीक्षा समेत सभी मुख्य परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। बच्चा पैदा करने के लिए मिला 15 दिन का पेरोल। यह मामला बिहार शरीफ जेल का है। यहां पर एक कैदी को हाईकोर्ट ने संतान पैदा करने के लिए 15 दिन की पेरोल पर छोड़ने का आदेश दिया है। दरअसल विकी कुमार नाम का एक कैदी नालंदा के रहुई थाना इलाके में उत्तर नावा गांव का रहने वाला है। 2012 में विकी को जान लेने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद ही वो बिहार शरीफ जेल में सजा काट रहा है, जिसके बाद विकी की पत्नी रंजीता पटेल ने हाईकोर्ट में संतानोत्पत्ति के लिए याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संतान पैदा करने के लिए 15 दिनों की पेरोल पर विकी को छोड़ने का आदेश जारी किया है। अब मेदांता अस्पताल में भी होगा कोविड 19 मरीजों का इलाज। राजधानी पटना में कोविड 19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही पटना के मेदांता अस्पताल में भी जल्द ही कोविड 19 प्रभावितों के इलाज की व्यवस्था शुरू होने वाली है, जिसके तहत 100 बेड की सुविधा के लिए अस्पताल में डॉक्टर और हेल्थ वर्कर की तैनाती कर दी गई है। हाल ही में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातचीत प्रबंधन के साथ हुई थी, जिसके बाद ही मेदांता में कोविड 19 प्रभावितों के इलाज की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब आने वाले 2-3 दिनों में कोविड 19 मरीजों का इलाज मेदांता अस्पताल में शुरू हो जाएगा। अस्पताल प्रशासन की माने तो मरीज का जल्द से जल्द इलाज शुरू हो सके, इसको लेकर कई कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। जल्द ही इलाज भी शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में प्रमुख नदियों पर चल रहा है मजबूतीकरण का काम। बिहार में प्रमुख नदियों पर मजबूतीकरण का काम जोर शोर से किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 301 बांधों पर मजबूतीकरण का काम फिलहाल चल रहा है। राज्य में इस बार बाढ़ के दौरान बांधों की सुरक्षा को लेकर 1100 करोड़ खर्च करने की व्यवस्था की गई है। जल संसाधन विभाग ने कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाव को देखते हुए यह सभी काम 15 मई तक हर हाल में पूरा करने के लिए अपने अधिकारियों और इंजीनियर को निर्देश दे दिया है। इतना ही नहीं, बांधों के मजबूतीकरण के क्रम में अन्य कमजोर स्थलों की पहचान भी की जा रही है। बिहार के जेलों में अब इन कपड़ों को पहनने की नहीं मिलेगी इजाजत। बिहार के जेल में कैदियों के द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों पर खास नजर रखी जाएगी। जेलों में गरीबी अमीरी में भेद ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ही जेल प्रशासन की तरफ से यह कदम उठाया गया है। पहले केवल सजायाफ्ता कैदियों को ही जेल का वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था, अब विचाराधीन कैदियों के लिए भी अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कारा प्रशासन बाहर से कपड़ा नहीं खरीदेगा, बल्कि जेल में ही पावर लूम लगाने का निर्णय लिया गया है। कारा महानिरीक्षक मिथिलेश मिश्र ने सभी केंद्रीय कारा में पावर लूम लगाने और कैदियों से ही लूम चलवाने और कपड़ा निर्माण का निर्देश दिया है। खबरों के अनुसार केंद्रीय कारा में कई कैदियों द्वारा ब्रांडेड कपड़ा पहनने की सूचना मिली थी। कारा महानिरीक्षक ने सभी को एक समान रहन सहन के लिए नई व्यवस्था की है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन आए कोविड 19 की चपेट में। पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन कोविड 19 की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद उन्हें DDU अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 दिन पहले ही तिहाड़ जेल में बंद 90 से ज्यादा कैदियों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया था, जिसके बाद जेल के अंदर हड़कंप मच गया। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में ही तिहाड़ केंद्रीय कारागार में 50 से ज्यादा कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद अब शहाबुद्दीन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हालांकि उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है। बेगूसराय डीएम की पहल पर फिर से चालू हुआ ऑक्सीजन फैक्ट्री। बिहार में कोविड 19 की स्थिति जिस तरीके से बिगड़ती जा रही है, ऐसे में ऑक्सीजन की मांग भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने के कारण अस्पतालों की हालत भी लगातार खराब नजर आ रही है, जिसके बाद ऑक्सीजन के उत्पादन पर सरकार का ध्यान खासतौर पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच बेगूसराय डीएम की पहल के बाद बेगूसराय में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत कर दी गई है। खबरों के माने तो इस प्लांट के प्रबंधक और बिजली विभाग के कर्मचारी से मिलकर दोनों के बीच समझौता कराने के बाद जिलाधिकारी ने अपने प्रयास से चालू इसे करवाया है, जहां अब प्रतिदिन लगभग 400 से भी अधिक ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग का काम हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन गैस की किल्लत से होने वाली परेशानी से बड़ी राहत मिल रही है। जिलाधिकारी के इस प्रयास की हर तरफ लोग सराहना भी कर रहे हैं।
पटना में संक्रमण चक्र तोड़ने के लिए बढ़ाए गए कंटेनमेंट जोन। बिहार में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके तहत सबसे ज्यादा अगर किसी जिले में संक्रमण की खराब स्थिति है तो वो है राजधानी पटना। हालांकि अब पटना में कोरोना को रोकने के लिए विशेष तैयारी शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, कोरोना की चेन तोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। कुछ ही दिनों पहले एक नया मरीज मिलने पर उसके घर के पास माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा था, लेकिन अब पहले की तरह पूरे क्षेत्र को सील करने का काम शुरू किया गया है। पटना के जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए जिले में 478 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। सभी सीओ, बीटीओ और थाना अध्यक्षों को कंटेनमेंट जोन की बैरिकेडिंग कराने का निर्देश दिया गया है। प्रेम कुमार ने जूनियर डॉक्टर को भी कोरोना मरीज के इलाज की जिम्मेदारी देने की कही बात। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने एक खास अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड 19 के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जो 100 जूनियर डॉक्टर हॉस्टल में बैठे हुए हैं, उन वैसे होनहार डॉक्टर्स को अपनी प्रतिभा को रोगियों के बीच में जाकर इलाज के लिए लगाया जाए। इस पर प्रधान सचिव ने कहा है कि इस सुझाव पर अमल किया जाएगा। सभी डॉक्टर्स इंटर्नशिप कर चुके हैं। डॉक्टर कुमार ने गया जिले के लिए प्रतिदिन 1000 वैक्सीन की मांग भी इस दौरान की। इसके साथ ही कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच प्रधान सचिव ने बताया कि गया में 452 की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 60 मरीज भर्ती है, 18 रोगियों को ऑक्सीजन लगा है, जबकि 10 वेंटिलेटर खबर लिखे जाने तक मौजूद थी। उन्होंने बताया कि रोगियों के उपचार की हर स्तर पर निगरानी की जा रही है, वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को दी नसीहत। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को ट्वीट कर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को खड़ी सुनाते हुए लिखा है कि जायसवाल अभी राजनीतिक बयानबाजी का वक्त नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को इस तल्ख ट्वीट से स्पष्ट है कि जदयू को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की वो बयानबाजी अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाइट कर्फ्यू फैसले पर व्यंगात्मक अंदाज में यह कहा था कि कोरोना रोकने में नाइट कर्फ्यू में किस तरह से फायदा होगा, यह बात समझ में नहीं आ रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में इंडियन सिविल सर्विस से त्यागपत्र दिया। साल 1970 में दुनिया में पहली बार पृथ्वी दिवस आज ही के दिन मनाया गया। भारत के अंतिम मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का 1760 में जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय लेखक चेतन भगत का 1974 में जन्म आज ही के दिन हुआ। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल महमूद अली खान का 2001 में उन्होंने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा। भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक लालगुड़ी जयरमन का 2013 में उन्होंने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा। आज ही के दिन को पृथ्वी दिवस और जल संसाधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्हाट्सएप यूजर भूलकर भी ना करें ये गलतियां। आज के जमाने में व्हाट्सएप एक अहम एप्लीकेशन बनकर सामने आया है। व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों से बातचीत करना और वर्क फ्रॉम होम के समय में अपने ऑफिस कलीग्स के साथ जुड़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हालांकि व्हाट्सएप यूजर को कुछ गलतियों को नहीं करने की सलाह दी जाती है, जिसके तहत व्हाट्सएप यूजर कभी भी किसी भी कैब ड्राइवर या अनजान व्यक्ति के नंबर को सेव ना करे। इसके साथ ही कभी भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से अश्लील सामग्री ना भेजे, इसके कारण आपको जेल भी हो सकती है। इसके साथ ही प्रोफाइल फोटो में कभी ज्यादा जानकारी नहीं दे। इसके साथ ही आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन भी जरूर ऑन कर ले। स्टेप वेरिफिकेशन के जरिए आपके 6 अंकों का एक पिन सेट करना होता है। किसी भी नए डिवाइस में आपके नंबर से व्हाट्सएप लॉगिन करने के लिए इस पिन की जरूरत पड़ेगी। गीतकार श्याम देहाती के गुजर जाने पर भावुक दिखे खेसारी लाल यादव। भोजपुरी सिनेमा से बीते दिन एक बुरी खबर सामने आई, जब जाने माने गीतकार श्याम देहाती ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कोरोना के कारण एक और हीरा भोजपुरी इंडस्ट्री ने बीते दिन खो दिया। हालांकि श्याम बिहारी के गुजर जाने की खबर सुनकर भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी लोगों के होश उड़ गए। पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। इसी क्रम में भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी उन्हें भावुक होकर याद किया, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि हम सभी के लाख कोशिश के बावजूद हमारा भाई श्याम देहाती अब नहीं रहा। ये मैसेज हमसे शेयर नहीं किया जा रहा है। मन बहुत भारी हो गया है भाई, आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपकी लिखी हर वो गीत हम सभी के बीच आपके होने का एहसास दिलाएगी। भगवान आपके पवित्र आत्मा को शांति दे। इसके साथ ही खेसारी लाल यादव ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो भावुक नजर आए। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 21 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,200 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,200 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,800 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 92.73 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 85.46 रुपए प्रति लीटर था। बिहार में कोविड 19 के मिले फिर से रिकॉर्ड तोड़ मामले। बिहार में कोविड 19 की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 12,222 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 63,746 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 97, अरवल में 98, औरंगाबाद में 560, बांका में 71, बेगूसराय में 587, भोजपुर में 142, भागलपुर में 526, बक्सर में 148, दरभंगा में 106, ईस्ट चंपारण में 260,
गया में 861, गोपालगंज में 211, जमुई में 168, जहानाबाद में 136, कैमूर में 87, कटिहार में 249, खगड़िया में 200, किशनगंज में 86, लखीसराय में 104, मधेपुरा में 146, मधुबनी में 168, मुंगेर में 229, मुजफ्फरपुर में 445, नालंदा में 225, नवादा में 268, पटना में 2919, पूर्णिया में 318, रोहतास में 174, सहरसा में 175, समस्तीपुर में 168, सारण में 636, शेखपुरा में 144, शिवहर में 65, सीतामढ़ी में 85, सिवान में 263, सुपौल में 194, वैशाली में 311, वेस्ट चंपारण में 516 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 66 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनका सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किया गया है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4774 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 288,637 पर पहुंच गई है। सनराइजर हैदराबाद को मिली इस सीजन की पहली जीत। बीते दिन सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में मैच का आयोजन करवाया गया था, जिसके बाद सनराइजर हैदराबाद को इस सीजन की पहली जीत नसीब हुई है। गेंदबाजों के जोरदार प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों के शानदार खेल के दम पर सनराइजर हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही हैदराबाद की टीम ने आईपीएल 2021 में अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। टीम को पंजाब में 121 रनों का छोटा लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम की तरफ से जॉनी बेयरस्टो ने सर्वाधिक 63 रनों की पारी खेली। बेयरस्टो के इस पारी के कारण सनराइजर हैदराबाद को जीतने में काफी मदद मिली। भागलपुर में गंगा पर फोर लेन पुल का काम जल्द होगा शुरू। भागलपुर वासियों के लिए अहम सूचना। गंगा पर फोर लेन पुल मुंगेर मिर्जा चौकी फोर लेन सड़क सहित कई अन्य सड़कों और पुलों का निर्माण शुरू होगा। 1,000 करोड़ से बनने वाले विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल का निर्माण जून जुलाई में शुरू होगा। पुल निर्माण के ठेका L&T को मिली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल भागलपुर में 9,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही मुंगेर मिर्जा चौकी के बीच 125 किलोमीटर फोर लेन सड़क बनेगी। इस पर 5,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चार चरणों में सड़क का निर्माण होना है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मंटू कुमार, पिंटू सिंह, रामबल्ली कुमार, विकास झा, प्रकाश सिंह, रवि कुमार, विक्की कुमार, वीरेंद्र सिंह, सूरज कुमार, रमेश सिंह, राम प्रसाद पासवान, शंकर मुखिया, रीना कुमारी, प्रभाकर कुमार, प्रेरणा कुमारी, जट्टू कुमार, जित्तू सिंह, कुमार आनंद, प्रभाकर शरण, दिव्यांशु कुमार, धर्मेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बिहार सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।